बढ़िया होंगे सभी के सभी। वीडियो पे देखने आया तो आप सभी का थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन देने थे आप सभी को, इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम है तो एग्जाम सेंटर से क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, ड्रेस कोड क्या होता है, जिन्होंने कुछ गलती कर दी है, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ओके चलो चलते हैं, और कंफ्यूज मत होना, सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये है इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे हम आ चुके हैं फाइनली, और आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो डाउट है वो हम क्लियर कर देते हैं। तो अब बेसिकली अपन का प्लान यही है कि आपको सीधे सीधे समझाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर वैसे समझ में आएगा। ओके अब सबसे पहले यहाँ पे आपका गलती कहाँ पे होगी वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आप में से किसी भी लड़की का लड़के का अगर सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है फॉर्म फिलिंग में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप अपने एडमिट कार्ड के साथ में अपना मार्कशीट ले जा सकते हो, मार्कशीट ले जा सकते हो, और उसके और भी आईडी प्रूफ जो होते हैं वो आप लेके जा सकते हो, आपको एंट्री मिलेगी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। चीज समझ में आपको आ गई होगी, जिन्होंने जिनका ये गलती हो गया है डेट ऑफ बर्थ में पापा के नाम में मम्मी के नाम में, वो अपनी मार्कशीट लेके जाएंगे हाई स्कूल की, ठीक है, ये मतलब मैं बता रहा हूँ। और आधार कार्ड के अलावा, आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, इसके अलावा ये चीज़ भी आप अगर वहाँ पे लेके जाओगे तो आपको कोई आउट नहीं करेगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड है, अच्छे से वो लोग ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ रहता है। आप किसी स्ट्रीम के लिए पेपर देने जा रहे हो, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन डिटेल्स की बात कर लेते हैं, डेट ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका एग्जाम ये होने वाला है, ठीक है, शिफ्ट रिपोर्टिंग टाइम, आई थिंक ये शिफ्ट B1 का मतलब सेकेंड शिफ्ट होगी। ओके यहाँ पे इनका पेपर होने वाला है, इतने भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। बिलो टीचर्स फिल एंड साइन ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन फ्रंट ऑफ इंग्लिश लेटर ऑफ एग्जाम सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट लिख देनी होगी जिस दिन आपका एग्जाम होगा, और यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना होगा भैया कब लिखना है। देखो कैंडिडेट आपको अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने, ऐसे ऐसे आनंद सिंह के करता हूँ तो अपना आनंद सिंह यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिख देना, जैसे आप कानपुर से बिलोंग करते हैं कानपुर, मेरठ से बिलोंग करते हैं मेरठ, पटना से बिलोंग करते हैं पटना, डेट जिस तारीख को आपका एग्जाम है वहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके दिस एडमिट कार्ड इज इश्यू ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट। ओके आपने सारी की सारी जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है इसके बेसिस पे, इसका भी आपको कोई मतलब नहीं, आपने गलती नहीं की, मुझे ये भी पता है, ठीक है। आगे चलो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग होगा तो आपको पेपर अच्छे से मतलब अटेम्प्ट करना है। ओके 0.1 मार्क आपको मतलब 1 मार्क मिलेगा पर राइट क्वेश्चन के लिए, नील मार्क मिलेंगे 0 के लिए, और 0.25 मार्क मिलेंगे रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद अदर के लिए आपको मतलब प्रोवाइड सीट प्रोवाइड कराई जाएगी, और ठीक है ठीक है, कैंडिडेट मस्ट राइट देयर ओके हॉल टिकट नंबर एट द टॉप ऑफ रफ सीट ऑन क्लिनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन व्हाइल लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल, कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द रफ सीट इन द ड्रॉप बॉक्स ऑफ, ठीक है। ये सभी चीजें आप सभी जानते हो, प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट दी जाएगी। ओके आर कैंडिडेट हु सबमिटेड आधार कार्ड एज डिस्प्ले ऑन देयर एडमिट कार्ड आर टू ब्रिंग देयर आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो चीज यहाँ पे देख लीजिए। आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, उसके साथ में मतलब क्या आधार एडमिट कार्ड विथ आधार कार्ड, ओके विथ आधार कार्ड अपनी आइडेंटिटी के लिए, और आपको दो फोटो कॉपी ले जानी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, सेम एज अपलोडेड फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी सेम टू सेम वही लेके जानी है। अब एक मुझे आपसे डाउट आ जाएगा, भैया मैंने फोटो जो अपलोड की थी वो 6 महीने पुरानी थी, भैया मैंने फोटो सिलेक्ट वाली नहीं अपलोड की, या फिर भैया मैंने फोटो अपलोड ही नहीं की, मेरा फोटो थोड़ा सा ब्लर हो गया था, कहीं भैया अब बाहर तो नहीं कर देंगे। देखो आपने फोटो नहीं अपलोड की, मतलब फोटो अपलोड की है सिलेक्ट वाली नहीं की है या डेट पुरानी थी, इसमें कभी भी आपको इंडियन एयरफोर्स बाहर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाली टेंशन बिल्कुल हटा दीजिएगा। Uploaded the while filling the online application form. Candidate only from Jammu and Kashmir, Meghalaya permitted to carry an a valid carry an any other valid ID proof while reporting for his first exam. So Aadhaar card is not available. ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट हैं, उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो और कुछ ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप सभी को केवल आधार कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड और दो फोटो कॉपी इतना ही बस लेके जाना है, ठीक है। ये चीज उन्होंने बताई है। अब जिनके पास नहीं है वो मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा, मैं अभी तो उन्होंने मेंशन नहीं कर रहे लेकिन आपने को तगड़ा एक्सपीरियंस है, अपने एग्जाम दिए बार बार क्लियर भी किए, एग्जाम सेंटर के हालचाल अच्छे से पता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नंबर 4 पे मत लेके जाइएगा। नंबर 5 बात कर लेते हैं, कैंडिडेट आर टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट असाइन टू देम, ओके कैंडिडेट फाउंड इंडल्जिंग, ओके ओके
नंबर 5 क्या है, आपको अपनी सीट पर बैठना होगा, किसी दूसरे के लाइक सीट पर नहीं बैठना होगा, जो सीट आपको बताई जाएगी वहीं पर बैठना होगा, और कुछ भी इधर उधर जाकर फुकी नहीं करनी होगी, मतलब इधर उधर नहीं देखना होगा। नो ओरिजिनल और फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड व्हाइल अपीयरिंग फॉर फेस फर्स्ट टेस्ट, डू नॉट ब्रिंग एनी सर्टिफिकेट विद यू, द एंट्री विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ दिस एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ ओनली एज पर पैरा 3 अबव। ओके, तो और कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाने, बस मैंने उनको गलती होगी जिनकी उनके लिए वो चीज़ बोली है, प्लीज कैरी आउट। आपको पेन भी आपको लेके जाना है, तो वो पेन भी आपको लेके जाना है, ये चीज़ आप देख सकते हो। सिग्नेचर एंड पर्क के लिए, इन एनी केस कैंडिडेट विल नॉट अलाउ टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ रिपोर्टिंग देम मेंशन इन एडमिट कार्ड, मतलब कि टाइम से पहुंच जाना, अदरवाइज फिर अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट एबल टू कम्प्लीट हिज हर एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल एरर एनी रीजन, अगर किसी कारणवश, मैं आपको ये बता देता हूँ इनका पड़े हुए, अगर किसी कारणवश आपका रुक जाता है पेपर, तो सिंपल सा है कि आपको दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट कर दिया जाता है, आपका टाइम बिल्कुल सेम टू सेम वही मिलता है, तो परेशान मत होइएगा। आगे बात कर लेते हैं, प्लीज प्रिजर्व दिस एडमिट कार्ड ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड साइंड बाय, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको एडमिट कार्ड संभाल के रखना होगा, ओके, संभाल के रखना होगा, क्योंकि फेस सेकेंड एग्जाम में आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ओके। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग द सेम एट द टाइम ऑफ फेस सेकेंड टेस्टिंग एट ASC, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एडमिट कार्ड आपको खोना नहीं है, संभाल के रखना है, आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन गाइडलाइंस को आपको अच्छे से फॉलो करना होगा, उसके बाद अपडेट रिलेवेंट और भी जो भी अपडेट आएंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब सबसे पहले एग्जाम ड्रेस कोड, तो भैया सिंपल सा है, भाई भाई हो या फिर कोई बहन हो जो वीडियो देख रहे हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने स्वेटर चीजें मैंशन कर दी हैं, तो बस ऐसा रखिएगा कि लास्ट टाइम को मैं बताऊँ ना, जब जबलपुर में पेपर हुआ था, इससे पहले जो पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें कैंडिडेट को उन्होंने ऊपर केवल बनियान पहन के ही पेपर देने को, सैंडो बनियान पहन के ही पेपर देने को बिठाया था, लेकिन आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तब गर्मी थी, अभी जाड़ा है, बस ये होगा कि ज़्यादा जिनके पास जेबें होंगी, नॉर्मल सा कुछ पहन के जाइएगा, जैसे लोअर पहन लिया और ऊपर स्वेटर वगैरह नॉर्मल से ऐसे डाल सकते हैं, उसमें हील्स वगैरह, तो जैसे शूज नहीं अलाउ होंगे, स्लीपर सैंडल्स विथ फ्लैट हील्स, टर्बन फॉर 6 कैंडिडेट के लिए अलाउ होगा, एंकल लेंथ शूज होने आपके चाहिए, अलाउ है मतलब वो चीज, ठीक है। स्वीट शर्ट विदाउट फ्रंट ओपनिंग, हुडीज पॉकेट, मतलब अब जैसे हुडीज जो पहन के जाते हैं उसमें क्या होगा, आप हुडी लगा नहीं सकते हो, फॉर्मेलिटी के लिए ऊपर आपको टुपा वगैरह जैसे आप लगाए हो तो वो भी आप नहीं लगा सकते हो। ड्रेसिंग एसेसरीज प्रोहिबिटेड, जो चीज़ें आपकी मना होंगी वो चीज़ें यहाँ पे मना होंगी, जैसे कि ग्लव्स हो गया, जैकेट हो गई, ऑल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी वगैरह आप वहाँ पे पहन के नहीं जा सकती हैं, जा सकते हैं, ठीक है। हाई एंकल शूज नहीं हो सकता है, थर्मल इनर बटन्स नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ें आपकी वहाँ पे अलाउ नहीं होंगी। एग्जामिनेशन सेंटर एटिक्विटी, जो चीज़ों आपको एग्जाम सेंटर में ध्यान रखनी है वो महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिए। देखो एक बात और बताता हूँ, अभी भी जिन्होंने जिनका पेपर 20 तारीख के बाद है, मैं अभी बोलूंगा आपको क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं, आप बस प्रैक्टिस पर फोकस करिए, बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस और रिवीजन, बस दो चीज़ें, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ओके। अगर आपका 20 तारीख तक एग्जाम है तो अभी भी मॉक नहीं लगाए तो लगा लीजिएगा, परीक्षा एप्लीकेशन पे एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, परीक्षा ऐप ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेस्ट का ऑप्शन ये है, यहाँ पे कुछ टेस्ट अवेलेबल है, आपको इन टेस्ट पे आके क्लिक करना है, जैसे ये कोस्ट गार्ड का टेस्ट बाई करना है, आपको अनलॉक सीरीज पे क्लिक करना होगा, मतलब आपको एयरफोर्स वाला ही करना है, जैसे ये वाला, तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो केवल सिंगल मंथ का, तो अनलॉक नाउ पे क्लिक करिए, यहाँ पे कूपन कोड ऑनलाइन D50 फिल करिए, अप्लाई कोड पे क्लिक कर दीजिए, ये देखो अप्लाई हो गया, ओके, यहाँ पे ऑनलाइन D50 अप्लाई कोड, ये कोड देखो अप्लाई हो गया, तो इस तरह से ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी कोई क्वेरी है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में आस्क करिएगा, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, ओके। और टॉपिक पे चलते हैं, हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या था, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स सच एज ब्लूटूथ माइक्रोफोन हेडफोन आर नॉट अलाउड, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ब्लूटूथ वगैरह लीड वगैरह मत लेके जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू वियर रिस्ट वॉच ब्रेसलेट, कुछ भी पहन के नहीं जाने देते हैं, जैसे आपने माला पहन रखा है, लड़कियों ने कान पे कुछ पहन रखा है, भाई
आपको कुछ भी अंदर पहन के वो जाने नहीं देते, स्पेशली गर्ल्स का ज्यादा नहीं पता है, लेकिन भाई आपको तो मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, कुछ भी पहन के नहीं जाने देते वो। अच्छे से चेक करते हैं अपने कड़ा वड़ा कुछ पहन रखे, सब उतरा देते हैं। ईटेबल आइटम्स ठीक है, ठीक है, चॉकलेट वगैरह कुछ खाने पीने वाली चीजें अंदर अलाउड नहीं होंगी। डिजिटल और टेक्सचुअल मटेरियल इज नॉट, कुछ भी डिजिटल चीजें आपको एग्जाम हॉल में नहीं अलाउंगी। बल्कि एडमिट कार्ड विल बी अलाउड इन साइड द एग्जाम हॉल। लीगल एक्शन विल बी टेकन इफ कैंडिडेट फाउंड विद फेक एडमिट कार्ड। आपको जेन्युइन एडमिट कार्ड लेके जाना है, बात खत्म। कैंडिडेट विल आल्सो बी अलाउड टू कैरी अ ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। पेन भी आपको लेके जाना है, ठीक है। एसएससी मत समझिएगा कि पेन देंगे वो, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपको खुद ही लेके जाना है। एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम्स सच एज अ पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स कुछ नहीं लेके जाना, केवल पेन लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक पेपर फॉर रफ वर्क वो खुद आपको प्रोवाइड करेंगे। चीजें क्लियर हो गई हैं, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि आपको मेन मेन चीजें क्या लेके जानी है। फर्स्ट नंबर तो आपको अपना एडमिट कार्ड, जिस पे मैं अभी आपको चीजें बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। एडमिट कार्ड के बाद दूसरा नंबर आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है। आधार कार्ड के अलावा ऑप्शंस नहीं दिए, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो तो इसके अलावा भी कुछ लेके जा सकते हो, लेकिन जिनके पास अब आधार कार्ड नहीं है, कुछ गलती हो गई है, तो मार्कशीट वगैरह लेके हो जा सकते हैं। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसी चीजें मेंशन नहीं की है। नंबर दो फोटो कॉपी बोली, आप तीन फोटो कॉपी मतलब फोटोज बोलिए, फोटोज जो आपने अपलोड की थी ना फॉर्म फिलिंग में, उनका तीन फोटो आपको वहाँ पे लेके जाना है। दो से तीन फोटो आपको वहाँ पे लेके जाना है, समझ में आपको आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, पे दो से तीन फोटो हो गया, आगे एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, दो से तीन फोटो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेन लेके जाना है, ठीक। आप अपनी तरफ से मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तरफ से मास्क ले जा सकते हैं, अच्छे दिखोगे, ठीक है। और उसके बाद ये चीजें होगी, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, दो तीन फोटो, एक पेन, मास्क, बस इतनी चीजें आपको लेके जानी है। कपड़े आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भैया क्या क्या कपड़ों आपके पहन के वहाँ पे जाने चाहिए। ये चीजें आप ले जाइएगा, कुछ भी गलती आपके नहीं होगी। बाकी जो दिक्कत आ रही हो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।